नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिसोदिया और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट खबरें मेरे साथ। महिलाएं आस्था की तर्ज पर उपवास करती हैं। पढ़ी लिखी कम होने की वजह से या पढ़ी लिखी है लेकिन कई भ्रांतियों की होने की वजह से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि जो महिलाएं ज्यादा उपवास करती हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी भी कमजोर उत्पन्न होती है। आइए जानते हैं शिक्षित लोगों से कि उपवास के ऊपर उनकी क्या राय है। शोभा शर्मा जी, मैडम ये जो हम देख रहे हैं कि महिलाओं में उपवास के अकॉर्डिंग कमजोरियां आ रही हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगी? उपवास नहीं करना चाहिए। जो कमजोर हैं, शारीरिक कमजोर हैं या किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको उपवास नहीं करना चाहिए। आस्था अपनी जगह है, शारीरिक जो है वो अपनी जगह है। जी, मैं पंडित अशोक नागर पुजारी राजा विष्णु मंदिर शाहजहाँपुर। सर, अधिकतर महिलाओं में हमने कमजोरी देखी है, कारण ये बताती है कि लंबे समय तक उपवास करती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं माता का भक्त हूँ और आपकी माँ या मेरी माँ कोई नहीं चाहेगी कि आप भूखा रहे, तो अब जो स्वस्थ मस्त वो भूख सहन कर सकते हैं वो करें। बाकी माता जी कभी भी नहीं बोलती कि मुझे भूखा रहकर पूजा करना है। माँ कभी प्रसन्न नहीं होती है भूखा रहने से, क्योंकि बच्चा किसी का भूखा रहता है माँ प्रसन्न रहती है क्या? नहीं। शारीरिक रूप से कमजोर महिला या प्रेग्नेंट महिला है, क्या नहीं करना चाहिए? उनको नहीं करना, नहीं करना चाहिए, इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। बुरा असर पड़ता है और बच्चों को भी मतलब इस संबंध में वो जागरूक होना चाहिए कि अपने मम्मी पापा को वगैरह को उपवास के लिए ज्यादा प्रेरित ना। क्या आस्था सत्य के लिए होना चाहिए या असत्य के लिए? सत्य के लिए। अच्छा, अत्यधिक जैसे अगर अपन भूखे रहते हैं तो इससे बॉडी पर दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। उसमें अपने बॉडी को रोज की एक नीड रहती है और खासकर महिलाओं को तो एक आयरन कैल्शियम वगैरह की डेली नीड होती है। कमजोर और प्रेग्नेंट महिलाओं को उपवास करना चाहिए या नहीं करना? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका डबल डोज हो जाता है, क्योंकि वो बेबी भी संग में होता है, तो फिर उनके लिए जो अपनी इंटेक रहती है डेली की अपनी नीड रहती है वो चीज ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए उनको तो नहीं करना चाहिए उपवास। दोनों पे नुकसान पड़ता है, दोनों पे असर पड़ता है। सर, देखा ये जा रहा है कि आजकल प्रेग्नेंट सी भी नहीं हो पा रही महिलाओं में पोषण की कमी की वजह से, तो क्या इस पे भी उपवास वगैरह इनकी इस पे भी असर पड़ता है ना? एक उचित जो अपना न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है हर किसी की अलग अलग रहती है। दुर्घटना।